हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए वीडियो में। तो स्वागत करते हैं आप सभी को हम अपने चैनल बिल्डअप लर्निंग को। तो सो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ऑफिशियल मेडल पेपर 2022 क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप बना करके जाते हैं तो जरूर से जरूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में आ सकते हैं। तो सो करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, इफ एन इज एन ऑड इंटीजर। यहाँ बता रहा है कि एन है सो एक ऑड इंटीजर है, देन सो डैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई एट। मतलब एन कोई ऑड इंटीजर हमें मानना है और दिया हुआ है कि एन कोई ऑड इंटीजर है, तो हम लोग कोई भी इंटीजर ले लेंगे एन, और देन सो डैट एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई एट। और हम लोग है सो ये प्रूफ करना है इसमें कि हम लोग को एन स्क्वायर माइनस वन है सो एट से डिविजिबल हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4p+1 और 4p+3। 4p+1 और 4p+3 के फॉर्म में होता है, सो हम लोग ने इंटीजर कोई मान लिया, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ने मान लिया 4p+1, 4p+3, या फिर आप कुछ और भी मान सकते हैं जिसके देखिए 1 है 3 है, ये ऑड मैंने माना है फॉर सम इंटीजर p। तो हम लोग जानते हैं लेट एन इक्वल टू 4p+1। सबसे पहले हम लोग 4p+1 माने हैं एक एन, तो 4p+1 एन इक्वल टू 4p+1 यहाँ है। तो हम लोग को एन स्क्वायर माइनस वन पे इस पर सिंपली पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो देखिए एन स्क्वायर माइनस वन है तो 4p, एन का वैल्यू है 4p+1, तो एन स्क्वायर का होगा 4p+1 का होल स्क्वायर माइनस वन। तो 4p+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन 2ab इसमें करने का जरूरत नहीं है, 16p स्क्वायर हो जाएगा, 4p+1 का होल स्क्वायर है। तो 16p² प्लस 8p मतलब 2ap, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। वही यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, उसमें से माइनस 1 है तो 4 का हो गया 16p², 1 का तो 1 ही होगा, और 2ab मतलब 2 इंटू 4p इंटू 1 मतलब 8p हो गया। तो ये सिंपली 16p² प्लस 8p माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हैं 16p² प्लस 8p बचा, जो हमारा 16 और 8 दोनों है सो 8 से डिविजिबल है। हम लोग सिंपली यहाँ लिख देंगे एन स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 8, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। फिर फर्दर हम लोग दूसरा जो हम लोग ने माना है 4p+3, 4p+ हम लोग ने फिर माना है एक और ऑड इंटीजर, तो फिर उसको भी पुट करेंगे इसी एन स्क्वायर माइनस 1 में, जो हमको प्रूफ करना है एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो सिंपली हम लोग एन स्क्वायर माइनस 1 में इसको 4p+3 का होल स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, तो यहीं सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारा 16p² प्लस 9 हो जाएगा 3 का, और 2ap मतलब 4 × 12 और 2 = 24, 24p माइनस 1, तो माइनस 1 करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा, तो सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 16p² प्लस 24p प्लस 8, ये तीनों है सो हमारा 8 से डिविजुअल है। तो सिंपली हम लोग भी इसके बारे में नीचे लिख देंगे कि एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजुअल बाई 8। तो दोनों कंक्लूजन को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं देयर फोर एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजुअल बाई 8, ये हमारा प्रूफ हो चुका हुआ है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। फिर हम लोग फर्दर चलेंगे, ये हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ सॉरी ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे लिखेंगे। फिर देखिए फिर है सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि हम लोग को एल्गोरिथम डिवीजन लेमा जो होता है, इक्लिप्स डिवीजन लेमा, उसका प्रयोग करके हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो सिंपली इसको एचसीएफ निकालना है, तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 960 और 432 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है अकॉर्डिंग टू इक्लिप्स डिवीजन लेमा के थ्रू। तो इक्लिप्स डिवीजन लेमा के थ्रू सिंपली आपको उसको फैक्टराइज करके सिंपली आपको निकालना है, आप या फिर फर्दर कहीं पे रफ में कर सकते हैं और उसको सिंपली उसका फैक्टराइज देख करके यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने 960 और 432 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पहले कौन सा है, तो 960 है, 960 जो नंबर है वो 432 से बड़ा है, तो हम लोग को 432 में 960 से 960 का एचसीएफ करेंगे, मतलब 432 से 960 में डिवाइड होगा, जैसे हम लोग निकालते हैं लॉन्ग प्रोसेस में। पर लेकिन यहाँ इक्लिप्स डिवीजन लेमा है तो सिंपली 960 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने पर हमें 432 इंटू 2 + 96 मतलब डिवाइड देंगे तो सिंपली 432 प्लस इंटू 2, तो 2 × 4 3 × 6 और 4 × 8, सिंपली हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ चुका हुआ है, 2 × 4 3 × 6 और 4 × 8, इसमें 96 ऐड करेंगे तो 960 हो जाएगा, सिंपली आप समझ सकते हैं। फिर उसी तरह 432 को 960 का हम लोग ने कर लिया, ये हमारा फैक्टराइजेशन हुआ, मतलब इसका डिवीजन करके जो हम लोग लिखे हैं इसका डिवाइजन इंटू
डिवाइडेड इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर जो हम लोग लिखे हैं वही है 960 का। उसके बाद 432 का सिंपली करेंगे तो 96 इंटू 4 प्लस 48 आ जाएगा, और फिर हम लोग फर्दर 96 का करेंगे तो 48 इंटू 2 प्लस 0, तो ये जो हमारा 48 हुआ, ये जो हमारा 48 हो गया, ये इसका क्या हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने के कारण हमारा 48 है जो हमारा एस सी एफ हो गया। तो एस सी एफ ऑफ 960 एंड 432 इज इक्वल टू 48। तो ये हमारा दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दो मार्क्स का जो शॉर्टेस्ट है, लॉन्ग का भी मैं सॉल्व करके अगले वीडियो में जरूर डालूंगा। पहले आप ये देख करके कंटेस्ट कर लीजिए जो जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आराम से बन सके, मतलब देखें और आप बना ले, वैसा मैंने क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये। फिर फर्दर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 5y² - 13y - 6। मतलब हम लोग का इसका जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने का फॉर्मूला होता है इसको फैक्टराइज कीजिए, और जो हमारा वाई का वैल्यू, क्योंकि इसमें वाई है तो वाई का वैल्यू जो आएगा भाई हमारा जीरोज हो जाएगा। तो सिंपली देख सकते हैं 5y² - 13y - 6 है। तो हम लोग मान लेते हैं वी हैव, हमारे पास मतलब सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे ना, क्योंकि हम लोग वहाँ क्वेश्चन तो नहीं लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग को ये दर्शाना होगा कि हाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो वी हैव 5y² - 13y - 6, ये हमें गिवेन है। उसके बाद हम लोग इसका फैक्टराइज करेंगे 5y² - 15y + 2y - 6। मैंने इसको कैसे फैक्टराइज किया है तो आपको समझा देता हूँ। देखिए 5y² - 13y - 6 है, तो अगर आप ये 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 13y² होगा, पर लेकिन ये -6 है और ये प्लस है, तो ये -13y² होगा। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ 13y है बीच में, तो इसको इस तरह से तोड़िए जो जोड़ने या घटाने पे 13y आ जाए, और उसको मल्टीप्लाई करने पे -30y² आ जाए। तो देखिए -15y + 2y में मैंने तोड़ा है, तो इसको देख सकते हैं आप -15y + 2y को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो -13y आ जाएगा, और -15y + 2y को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली -30y² के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद इसमें से हम लोग सिंपली कॉमन ले लेंगे 5y को। 5y को हम लोग कॉमन लेंगे तो y-3 बचेगा, क्योंकि 5 को कॉमन लिए तो 5 3 = 15 होता है, और y भी कॉमन है तो ये y भी हमारा बाहर बाहर ही रहेगा, और y² है इसलिए एक y रहेगा। फिर इसी तरह इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो y-3 और 5y + 2 हमारा आएगा, तो y का वैल्यू एक 3 होगा, y का वैल्यू एक 2y - 5 होगा। तो यही हमारा दो जीरोज हो गया, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3 and 2y - 5, ये हमारा आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है x - y = 3 और x/3 + y/2 = 6। इसमें सिंपली हमको क्या निकालना है, xy का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली x - y = 3 और ये इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आएगा, 2x + 3y = 6। तो x - y को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और 2x + 3y = 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो 36 इसको क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 x - y = 3, 2x + 3y = 36। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2x + 3y है, यहाँ x - y है, तो इसमें से कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कट रहा है। तो सिंपली इसको काटने के लिए हम लोग ऊपर में सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 2 से कीजिए आप, 3 से कीजिएगा तो y वाला टर्म कटेगा, 2 से कीजिएगा तो x वाला टर्म कटेगा। तो मैंने 2 से किया है, तो 2 से किया है तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ 2x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं इसमें, -2y = 6। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लस वाला टर्म है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सिंपली ये कट गया तो यहाँ मेरा आया -5y = -30, तो y का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग है सो y का वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 कहने का मतलब x - y = 3 में हम लोग किसको पुट करेंगे, y को पुट करेंगे। तो y हमारा 6 है, 6 यहाँ गिवेन है, तो x - 6 = 3, तो x - 6 = 3, तो x = 3 + 6 = x = 9 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपली फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने जो जो नंबरिंग किया है उसी वाइज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, आप मॉडल पेपर देख लेना उसमें है। सो जैसे 4 को किया, 7 को किया, फिर 8 को, फिर 9 को किया, मतलब 5, 6 मैंने नहीं किया, तो 5, 6 का क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन नंबरिंग मैंने उसी मॉडल पेपर के अनुसार लिखा है, तो आप मिला लेना उससे। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम लोग को नेचर ऑफ रूट निकालना है। सिंपली वही करेंगे, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस यूज करेंगे और इसका रूट हम लोग दो निकाल लेंगे। तो रूट निकालने के लिए 16x² - 8x + 1 = 0 दिया हुआ है, 16x² - 8x + 1 सिंपली उसी तरह फिर से करेंगे, 16x² को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 16x² ये हुआ। और -8x को हमको इस तरह से तोड़ना है जो 16x² हो जाए, और उसको जोड़ घटाव करने पर -8x हो जाए। तो 16x² - 4x - 4x, तो -8x हो गया, और -4x - 4x
तो सिंपली ये क्या, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 16x² होता है, ये हमारा 16x² भी आ गया। तो सिंपली आप यहाँ से 4x कॉमन लीजिए, 4x-1, फिर 1 कॉमन लीजिएगा तो 4x-1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ से आपको x का वैल्यू 1/4 और 1/4 आ जाएगा, यही हमारा रूट हो गया, नेचर ऑफ रूट, ये हमारा इसका आंसर हुआ। फिर फर्दर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में भी हमें वही इक्वल रूट दिया हुआ है, मतलब इसमें दे चुका हुआ है कि मैंने इसका क्वेश्चन नहीं लिखा है, पर लेकिन सॉल्यूशन में ही मैं बता देता हूँ इसका क्वेश्चन किस टाइप का होगा। इसका क्वेश्चन इस टाइप का होगा, जैसे हमें 2y² + 3y = -3 है इक्वल, मतलब इसका इक्वल रूट हमें दे चुका हुआ है, और हमें डिस्क्रिमिनेंट का प्रोसेस फॉर्मूला यूज करके हमें टी का मान निकालना है, हमें टी का मान निकालना है, इसमें टी का मान निकालना है, इक्वल रूट्स दिया हुआ है और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करके हमें टी का वैल्यू निकालना है, मतलब लेकिन बस ओनली फॉर टी का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2y² + 3y + 3, ये -3 को मैंने इधर ले लिया तो +3 हो गया इक्वल टू 0, तो हेयर ए इक्वल टू 2 हो गया, मतलब वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट 2, वाई का कॉफिशियंट 3, और सी जो हुआ हमारा कॉन्स्टेंट टर्म वो हो गया 3। उसके बाद गिवन डेट है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर रूट्स आर इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको, ये जो इक्वेशन है 2y² + 3y = -3 को सिंपली हम लोग 0 के इक्वल कर देंगे, और यहाँ से +√t का वैल्यू निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं +√2√6 हमारा टी का वैल्यू आ गया, यही हमारा आंसर है। 9 क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है, फर्दर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको है सो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दिया हुआ है एपी का, इसमें हम लोगों को के का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एपी के टर्म में हम लोग जानते हैं कि a2 - a1, मतलब ये a2 हुआ, ये a1 हुआ, ये a3 हुआ, a3 - a2, तो दोनों का डिफरेंस जो होता है ना वो इक्वल हो जाता है। तो सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं, वी नो डैट a2 - a1 = a3 - a2, तो k-4/5 और 2 - k। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा सिंपली k का वैल्यू 7/5 आएगा। तो मैं बता दूँ कैसे कैसे सॉल्व किया है, यहाँ सिंपली एलसीएम लिया हूँ 5k-4, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो यहाँ 10-5k हो जाएगा और यहाँ 5k-4 हो जाएगा। सिंपली ये 5k इधर आएगा तो पॉजिटिव में प्लस हो जाएगा, और ये -4 इधर जाएगा तो ये भी पॉजिटिव में प्लस हो जाएगा, 10k = 14 हो जाएगा, k = 7/5 हो जाएगा, ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन हुआ। चलते हैं फर्दर क्वेश्चन पे। इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos a = 4/3 है, तो हम लोग को फाइंड करना है cosec a है, सो 4/3 है, हम लोग को इसमें फाइंड करना है cos a + tan a, cos a एंड tan a का वैल्यू निकालना है। तो cos a का 4/3 मतलब ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। cosec sin का उल्टा होता है, तो साइन का क्या होता है, साइन का हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक का हमारा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ से क्या निकालना होगा, बेस निकालना होगा, क्योंकि बेस इसमें नहीं है। बेस निकालने का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग, और इस यहाँ से बेस हमारा √7 आ जाएगा, h² = p² + b², तो सिंपली वैल्यू पुट करके b का मान निकाल लेंगे तो आराम से फिर cos a, tan a, sin a सब का वैल्यू निकल जाएगा। वी नो डेट cos a इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा √7 निकला है, और ये 4 हमारा हाइपोटेनस है दिया हुआ। tan a हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब p/b होता है, तो इसका परपेंडिकुलर हमारा है क्वेश्चन में ही गिवन cosec a के रूप में, तो इसका 3 हो जाएगा और बेस हमारा √7 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हुआ। सिंपली हम लोग 13 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ है 4 sin² 60° + cos² 60° / tan² 45° - cos² 90° + sin² 90°। तो ये देखो, बनाने के लिए तो आप इसमें sin² 60 का वैल्यू डालो, cos² 60 का वैल्यू डालो, tan 45, cos 90, sin 90, ये सब का वैल्यू डाल के भी बना सकते हो। अगर ज़्यादा सटीक से अगर बनाना चाहोगे, जो कम लाइन में भी आटे और जल्दी बने और नंबर भी इसमें फुल मिले, तो सिंपली आप लोग को यहाँ दर्शाना है sin² 60 + cos² 60। तो हम लोग जानते हैं sin² θ + cos² θ क्या होता है, 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, sin 90 का मान भी 1 होता है, और cos 90 का मान 0 होता है, और ये हम लोग जानते हैं sin² + cos² = 1 होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थीटा दोनों सेम है, 60° 60°, तो सिंपली इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 4 × 1 / tan 45 1, cos 90 0, और sin² 90 क्या होता है, 1, स्क्वायर कर लेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा क्या, 2, तो इसका आंसर सिंपली हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये साइड में दर्शाना बहुत ज़रूरी है, जिस कारण आपको मार्क्स मास्टर देख करके मार्क्स देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला ये यूज कर रहा है बच्चा। चलिए हम लोग फर्दर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्दर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि sec² a - 1
ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ये हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन के इक्वल होता है। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट सेक स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोग ने क्लास टेंथ में पढ़ा है। एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। पर लेकिन हमारा यहाँ दिया हुआ है वन माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, वन माइनस कॉसेक स्क्वायर प्लस, पर लेकिन यहाँ है वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो अगर हम लोग वन को उधर अगर भेजे, वन को अगर हम लोग उधर भेजे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा, पर लेकिन यहाँ है वन माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो इस हिसाब से हम लोग ये कॉट स्क्वायर को उधर भेज के और कॉसेक को हम लोग इधर भेज लेते हैं। तो कॉट को उधर भेजेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर हो ए हो जाएगा, और कॉसेक को इधर भेज लेंगे तो ये भी तो सिंपली हम लोग का इसके इक्वल हो गया। अब हम लोग एल एच एस को उठाएंगे सिंपली, तो एल एच एस में सेक स्क्वायर ए माइनस वन था, तो उसका सिंपली टेन स्क्वायर ए हम लोग लिखेंगे यहाँ से फॉर्मूला यूज करके, और इसका माइनस कॉट स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर का उल्टा होता है वन बाई कॉट स्क्वायर ए, तो सिंपली यहाँ से कट हो गया माइनस वन इक्वल टू आर एच एस, राइट हैंड साइड से इक्वल हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया सिंपली। अब फर्दर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि साइन ए और कॉस बी इक्वल है, और ए और बी है सो एक एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है, और प्रूफ करना है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग प्रूफ करते हैं साइन ए इक्वल टू साइन 90 माइनस बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस बी है, तो बी को हम लोग कॉस बी को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। तो साइन ए और साइन यहाँ पे भी है 90 माइनस बी, तो साइन से साइन कट कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए बचेगा और यहाँ से 90 माइनस बी, मतलब जो इसका थीटा है सो बचेगा हम लोग का। तो ए और ये माइनस बी है तो इधर आ जाएगा, तो ए प्लस बी को 90, ये हमारा वेरीफाइड हो गया सिंपली। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट फर्दर चलते हैं 23 पे। 23 में ये क्वेश्चन गिवन है कि रेडियस 28 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल, मतलब बीच वाले किसी भी सर्किल का सेंट्रल एंगल किसे कहते हैं, मतलब सेंट्रल एंगल एंगल कहने का मतलब उसके बीच का जो ओरिजिन होता है वहाँ का एंगल, उसे हम लोग सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो रेडियस हमारा 28 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल हमारा 45 डिग्री है, और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सिंपली हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद करके जाएंगे, रट के जाएंगे तभी बनेगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर हमारा 28 है, तो 28 इंटू 28, एंगल हमारा दे चुका हुआ है 45 डिग्री, तो 45 डिवाइडेड बाई 360, इसको आप काट खुट कीजिएगा तो हमारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायग्राम भी अगर आप बना लें तो बहुत ही अच्छा है, मास्टर इस पर फुल मार्क्स दे देगा। ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हमारा हो गया रेडियस, ये हमारा सेंट्रल एंगल हो गया, ये आर्क होता है वैसे, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फर्दर क्वेश्चन में हम लोग का गिवन है कि टोटल सरफेस एरिया इतना दिया हुआ है और वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले टोटल सरफेस एरिया से हम लोग साइड निकालेंगे, और साइड निकालने के बाद वॉल्यूम निकालेंगे। तो टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, और हम लोग ने a को जो मान लिया है इसका क्यूब का एज मान लिया है, मतलब साइड माना है उसका। तो 726 इक्वल टू 6a स्क्वायर, 6a इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 121 होगा। तो a का वैल्यू प्लस माइनस रूट 121 हो जाएगा, प्लस माइनस 11 सेंटीमीटर। हम लोग माइनस में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है किसी भी वॉल्यूम रेक्टेंगल ये सब का। तो वॉल्यूम हमारा a क्यूब होगा, तो 11 × 11 × 11, तो ये हमारा 1331 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया सिंपली। और फिर नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फर्दर क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का है, जिसमें हम लोग को क्यून ऑफ रेड कलर निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दिया हुआ है 52, उसमें से हम लोग को क्यून ऑफ रेड कलर 2 दिया हुआ है, और उसका प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि कैसे गेटिंग अ क्यून ऑफ रेड कलर, वो हमें निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, टोटल नंबर ऑफ क्यून ऑफ रेड कलर क्या है, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ क्यून ऑफ रेड कलर, तो नंबर ऑफ कार्ड रेड, मतलब नंबर ऑफ कार्ड रेड कहने का मतलब नंबर ऑफ क्यून ऑफ रेड कलर कार्ड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड करना है 52, 2/52, तो 1/26 इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अदर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, और इसके लॉन्गेस्ट मतलब जो बड़े हैं शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, जो 5 नंबरिया क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।